बहुत मुश्किलों के बाद अभी दिख रहा है होटल यहाँ पे। व्हाट्स अप गाइस, इट्स प्रनीता एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हम आए हैं इम्पीरियल पैलेस रिजॉर्ट में। मुझे यहाँ से कोलैबोरेशन का मैसेज आया था एंड इतना अच्छा होटल है और इतनी सारे एडवेंचर्स थे तो ऑब्वियसली मैं आई हूँ यहाँ पे। एंड आई आस्क्ड कि मैं अपनी बहन को एंड भाई को लेके आ सकती हूँ एंड ऑफ कोर्स दे सेड यस। तो अब हम आए हैं यहाँ पे एंड मेरे पीछे है ये होटल। यहाँ पे जाने के लिए रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा था, बहुत मिन्नती करने के बाद वहाँ पहुँचे, बट इट वॉज़ वर्थ इट। बहुत अच्छा है अंदर से। मैं अभी जाके आई हूँ, मैं इंट्रो शूट करना भूल गई हूँ तो मैं एंड में इंट्रो बना रही हूँ। सो या इट्स अमेजिंग, बहुत रॉयल है। सो मैं पहले वाले क्लिप्स अभी डालूंगी। तो मैं अभी वॉशरूम में आई हूँ एंड गेस व्हाट, ये तो वॉशरूम में बहुत ज़्यादा रॉयल है। पीछे मिरर्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा एकदम रॉयल वाइब्स दे रही है, लग ही नहीं रहा कि ये वॉशरूम है। एंड यहाँ पे श्रुति मेकअप कर रही है एंड अभी हम बाहर चलते हैं, देखते हैं बाहर क्या क्या है। So I'm right now in the corridor and this is the corridor, very classy, looks amazing, just look at it. So corridor के left में है ये lobby जहाँ पे है lift and ये भी इतनी ज़्यादा प्यारी है। तो अभी हम इम्पीरियल पैलेस रिजॉर्ट के एकदम सेंटर में है जहाँ पे उनका बुफे होता है गेस, क्योंकि यहाँ पे मुझे खाने का सामान दिख रहा है। एंड अभी यहाँ पे है एकदम क्लासिक उसके स्टेयर्स जहाँ पे मोस्टली सारे इन्फ्लुएंसर्स फोटो निकालते हैं एंड बीइंग वन मैंने भी एक फोटोशूट थोड़ा यहाँ पे कर लिया है। एंड अभी हम नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या है वहाँ पे। काफ़ी अच्छी से सिटिंग अरेंजमेंट हो रखी है। दीज आर दी स्टेयर्स, वेरी प्रिटी अगेन। एंड यहाँ पे हर एक जगह पे यू नो वर्क करा हुआ है, वर्क हुआ हुआ है एंड वो काफ़ी प्रिटी लग रहा है लाइट्स की वजह से स्पेशली। एंड दिस इज़ इट, चलते हैं अब नीचे। तो यहाँ पे नीचे एक फ़ोटोशूट एरिया, लाइक प्रॉपर फ़ोटोशूट डेडिकेटेड एरिया। सो वी आर गोइंग नाउ। यहाँ पे पीछे ही है, बहुत सारे नियॉन लाइट्स लगे हुए हैं एंड यू नो एक वे जैसा बनाया हुआ है, रैम्प वे जैसा, आई डोंट नो व्हाट इट्स कॉल्ड। तो चलते हैं वहाँ पे। सो विल क्लिक सम पिक्चर्स नाउ यार। वो ये जगह के एग्जैक्ट बाजू में यहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे मैंने एक कार्टिंग वाली कार देखी है एंड यहाँ पे है ये आई गेस बंद है ये सब कुछ। एंड यहाँ पे है कार्टिंग वाली गाड़ी, कार्टिंग कार आई मीन। एंड ये भी कुछ बंद हुआ पड़ा दिख रहा है और सबसे बेस्ट पार्ट इस डोर के बाहर है। आई विल शो यू दिस व्यू। ओ माई गॉड, पूरा थाने दिख रहा है, आई गेस पूरा मुंबई दिख रहा है यहाँ से बाहर। बहुत ही प्यारा व्यू है। सो दिस इज द होटल एंड यहाँ पे है व्यू। यहाँ पे काफी सारी राइड्स नजर आ रही है मुझे, झूले है एंड आई डोंट नो ये क्या क्या है, बट फनफेयर वाली काफी सारी राइड्स है एंड मोस्टली सारे बंद नज़र आ रही है मुझे, कोई भी चालू नज़र नहीं आ रहा। वहाँ पे मुझे बुल भी नज़र आ रहा है बट देन वो भी क्लोज है एंड आई डोंट थिंक सो अभी यहाँ पे यू नो कुछ चालू होने भी वाला है। फ्रंट व्यू, कंप्लीट फ्रंट व्यू एंड उसके सामने ये व्यू, दिस इज़ द बेस्ट व्यू। एंड आई गेस ये सारे विलास है जो यू नो स्विमिंग पूल के साथ लोग बुक करते हैं, मैंने काफ़ी लोगों के पास काफ़ी लोगों को जाते हुए देखा है। एंड यहाँ से बहुत प्यारा व्यू नज़र आ रहा है, जब बीच में पानी भी नज़र आ रहा है एंड माउंटेन है, ग्रीनरी है, काफ़ी अच्छा यू नो व्यू है। होटल के इस तरफ है गार्डन एंड मुझे माउंटेन टॉप नज़र आ रहा है एंड यहाँ पे है स्विमिंग पूल जिसमें एक ड्रॉप भी पानी नहीं है। एंड यहाँ पे कुछ टूटे फूटे चेयर्स रखे हैं एंड यहाँ पे चेयर वाली सिटिंग है जो कि कोई काम की नहीं है क्योंकि उसमें पूरी धूल है एंड बहुत धूप है। सो लेट्स लीव। तो गार्डन के इस तरफ अंदर आने पर
हम वही जगह पे वापस आ गए हैं एंड यहाँ पे जो सिटिंग है काफ़ी रॉयल सिटिंग है, सोफाज एंड काउच बहुत मस्त है। एंड मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सकती बिकॉज मेरे को कॉपीराइट लग जाएगी क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रही है, सो बाद में। सो इट्स फाइनली लंच टाइम एंड मेरे को डिज़र्ट एंड स्नैक्स में काफ़ी कुछ दिख रहा है। सो यहाँ पे है नॉन वेज बफेट एंड बहुत कुछ है। यहाँ पे है दाल, यहाँ पे है पुलाव और यहाँ पे है चिकन एंड रोटी एंड बहुत कुछ है। और उस तरफ है वेज वाला, सो लेट्स सी वहाँ पे क्या है। सो अभी हमने लंच ले लिया है, लंच कर रहे हैं एंड हमारे एग्जैक्ट बाजू में लाइव सिंगिंग चल रही है, सो इट्स वेरी सूदिंग। काफ़ी सारे अलग अलग रिनाइसेंस वाले पेंटिंग्स पोस्टर्स बने हुए हैं, काफ़ी विंटेज एंड यू नो एंशियंट फील्स दे रहा है। एंड यहाँ पे एंट्रेंस भी काफ़ी प्यारा है, यहाँ पे एक्चुअली पे इंटीरियर बहुत अच्छा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ फाइन वर्क कराई हुआ है एंड हर जगह पे ऐसे चैंडलियर्स एंड शो पीसेस बने हुए हैं। सो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इम्पीरियल पैलेस रिजॉर्ट फॉर इनवाइटिंग मी, मेरा फर्स्ट होटल कोलैब है ये एंड इट्स अमेजिंग, मज़ा आया, मेरे को बहुत इन्जॉय किया मैंने, फूड वॉज अमेजिंग, प्लेस इज़ अमेजिंग, बाकी चीज़ें वॉज अमेजिंग। अभी एडवेंचर एक्टिविटीज़ बाकी है, आई डोंट नो हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे बिकॉज हमने ऑलरेडी लेट कर दिया है, इट्स ऑलरेडी 4:30 एंड उन्होंने कहा था कि 4 o'clock को बस जाएगी, तो विल चेक एंड अगर होता है तो विल गो ऑल अदरवाइज विल लीव। तो लेट्स गो, जाते हैं देखते हैं, बस चली गई या है। सो दिस इज़ द बस जो हमें नीचे लेके जाएगी एक्टिविटीज़ के लिए एंड काफ़ी कोजी माहौल हो गया है। जनाब रेडी है अभी जिप लाइनिंग करने के लिए और ये भी मैं नहीं करने वाली हूँ बिकॉज मुझे बैग को संभालना है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द लोकेशन, यहाँ पे होगी शायद जिप लाइनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक एंड फिर इनको चढ़ के ऊपर आना है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू मम्मा। और यहाँ पे बाकी सारे एक्टिविटीज़ है, ये है जिप लाइनिंग करने के लिए और वहाँ पे भी और लोग हैं जिप लाइनिंग के लिए, अभी हम जा रहे हैं नीचे, वहाँ पे होगी जिप लाइनिंग। आगे एक पॉइंट है, आपको सेल्फी निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो, बट आगे एक पॉइंट है वहाँ पे आपको हल्का सा ब्रेक लगेगा, ठीक है? तो अगर लेके जाना है लेके जाओ, बट वहाँ पे डरोगे तो छोड़ दोगे।
वो अभी हम आए हैं यहाँ पे जहाँ पे एडवेंचर्स होते हैं। हम बस से अभी नीचे आए, हम सबसे फॉर्म फिल कराया एंड अभी सब लोग वहाँ पे जिप लाइनिंग कर रहे हैं। मैं नहीं कर रही क्योंकि मैंने पहले करा हुआ है एंड मेरे पीछे अभी बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे ये है एंड वो एक है, यहाँ पे है एंड नीचे बहुत सारे एक्चुअली में एक्टिविटीज़ हैं। नीचे जिप लाइनिंग है, गो कार्टिंग है एंड काफ़ी कुछ है। सो या अभी श्रुति और हार्दिक को करके ऊपर आ जाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे की एक्टिविटीज़ करेंगे एंड आई डोंट नो आगे क्या करेंगे। मे बी हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे क्योंकि यहाँ के किससे बड़े सुनने हैं हमने ये सुना है कि यार एक कॉलोनी में भूत होता है। आई डोंट नो ये सच है कि नहीं है, बट वी डोंट हैव टू यू नो वी डोंट वॉन्ट टेक रिस्क, तो फिर हम लोग जल्दी निकलेंगे। सो या सो दीज गाइज आर बैक नाउ। हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस? बेस्ट, वेरी बेस्ट। पहले तो डर रहा था, पहले तो ये बहुत डर रहा था, जा नहीं रहा था, उसकी फट रही थी जाने के लिए। अभी बोल रहा बहुत बेस्ट। टेल मी हाउ इज इट? बेस्ट एक्सपीरियंस, नाइस, बहुत अच्छा लगा। वो पहले पहले थोड़ा सा डर लगा, फिर बाद में मजा आया। ओके, नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स, कोई रिग्रेट नहीं। सो वी आर फाइनली डन विद एवरी थिंग। इट वॉज एन अमेजिंग डे। मेरे को एक्चुअली 9:30 बजे बुलाया था, आई मीन 9:30 को बुलाया था, बट मैं आई यहाँ पे 2 बजे जो कि बहुत लेट है, बट स्टिल काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत इन्जॉय किया, हर सब कुछ किया। बस जो आर्केड गेम्स जो थे वो सुबह को थे, वो बंद हो गया जब हम आए एंड बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी, दिस वॉज माई फर्स्ट कोलैब एंड बहुत मेमोरेबल रहेगा। एंड मोर टू गो ये एंड आई एंड दिस व्लॉग हियर। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय, टेक केयर। तो अभी हमने लास्ट में ट्रैम्पोलिन पे बहुत ज़्यादा मज़ा किया, मैंने तो अभी व्लॉग नहीं किया।